तो हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल सलाम। तो आ गया मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेके। एंड आज के इस एपिसोड में हम लोग करने वाले हैं भाई वापस से रैंक पुशिंग। एंड ये होने वाला है हम लोग का एपिसोड नंबर 23 ऑफ रैंक पुशिंग इन सीजन 26। एंड फिलहाल हम लोग ग्रैंड मास्टर की पुशिंग कर रहे हैं, आप सभी को तो पता ही होगा। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूँ, मैंने 15 दिन का चैलेंज ले रखा है कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर मेरे को जैसे तैसे करके ग्रैंड मास्टर पहुँचना ही है। एंड फिलहाल आप मेरी करंट स्कोर वगैरह देख सकते हो भाई, 5 स्टार लगे पड़े हैं मेरे। एंड बहुत जल्द मैं ग्रैंड मास्टर को भी टच करने वाला हूँ। कल के दिन मैंने पूरा 1000 प्लस करा दिया। एंड आज कितना प्लस होते हैं वो तो आपको कल के वीडियो में देखेगा। तो कल का वीडियो देखने के लिए चैनल को कर देना सब्सक्राइब। एंड साथ ही में वीडियो को अभी एक लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो को आप लोग लास्ट में लाइक करने वाले हो। एंड साथ ही में हमारे चैनल ने कंप्लीट कर लिए 6.5K सब्सक्राइबर्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को दिल से शुक्रिया 6.5K सब्सक्राइबर्स कराने के लिए। एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। एंड आज के आज अगर हो सके तो 6.6K सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करा देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हम लोग का पहला मैच जिसमें कि मैं खेल रहा हूँ सोलो में। एंड फिलहाल इस वाले मैच में मैं भाई रिकॉर्डर को ऑन करना भूल गया था, तो जिसकी वजह से मैं गेम रिकॉर्डर का यूज़ कर रहा हूँ। वैसे मैं सोलो में रिकॉर्डर का मतलब गेम रिकॉर्डर का यूज़ नहीं करता हूँ, स्क्वाड में करता हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन 3GB RAM का एंड बहुत ज़्यादा लैग भी करता है। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे इस टावर से एक बंदे ने मेरे को फायरिंग दी थी, तो उसको मैं ग्रेनेड मार के मारने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वाले ग्रेनेड को मैंने ओवर टाइम कर दिया। एंड उसके बाद जो हम लोग का सेकेंड ग्रेनेड जाता वो भाई एकदम मतलब उसके टॉप पर गिर जाता, जिसकी वजह से उसको कुछ डैमेज नहीं आया, लेकिन थर्ड ग्रेनेड से उसको आ जाता है डैमेज। इसी के साथ भाई मेरे को भी पीछे से पड़ जाती है डैमेज। तो मेरे को जल्दी जल्दी यहाँ पर पैक होकर बैठना था, क्योंकि मेरे को भाई डैमेज खा के अभी मरना नहीं है, क्योंकि अभी भी 14 बंदे अलाइव है एंड मेरे अलावा 13 और बंदे। अभी आप देख सकते हो कि भाई बंदे ने चांस लेके पीछे से मेरे अंदर ग्रेनेड फेंक दिया, यानी कि मेरे ग्लोवॉल के अंदर ग्रेनेड फेंक दिया। अभी कोई नहीं भाई, पहले तो लेफ्ट वाले को मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राइट वाला बंदा मेरे को इतना परेशान नहीं कर रहा था, लेकिन लेफ्ट वाला बहुत ज़्यादा कर रहा था। अभी मैं जैसे ही भाई इधर जाने की कोशिश करता हूँ मेरे को ये मारने लगेगा, अगर मैं लेफ्ट वाले को मारूंगा तो मेरे को राइट वाला मारेगा। तो मैं सोच रहा था इस वक्त में कि भाई क्या करूँ, किसको पहले मारूं। अभी यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि इस पॉइंट में अगर मैं हिलता हूँ तो भी मैं मरता हूँ, क्योंकि मेरे पास ग्लूवॉल अभी एक ही बची थी। मेरे को प्रॉपर याद है, मतलब मेरे पास टोटल 6 ग्लूवॉल है, 2 मैंने पहले लगाई, 1 अभी लगाई। अभी आप लोग देख सकते हो कि भाई सामने वाले बंदे को क्या ही बढ़िया वाला मैंने इन स्कोप हेडशॉट जड़ दिया। तो पाराफेल का बढ़िया वाला हेडशॉट तो जड़ दिया, लेकिन उसके बाद एक और बंदी आ चुकी थी थर्ड पार्टी करने के लिए, मतलब बंदा तो नहीं होगा शायद से बंदी है, तो इसीलिए उसको भी भाई मतलब अभी मारना पड़ेगा। एंड लेफ्ट वाला बंदे को मेरे हिसाब से पहले ही टावर वाले ने निपटा दिया होगा। अभी मैं यहाँ पे मस्त वाला रुका हुआ था, तभी मेरे को दिखता है कि भाई सामने से जो लेफ्ट वाला है वो घूम के जा रहा है, यानी कि उसको भी अभी डर लग चुका था, क्योंकि जोन उसी को आना था एंड जोन के वो बहुत ज़्यादा बाहर हो जाता अगर जोन यहाँ तक पहुँच जाता। तो इसी वजह से वो बेचारा घूम के जाने की कोशिश कर रहा है। एंड लूट करते करते मैंने इसकी लूट बॉक्स से लूट भी कर लिया, मतलब जिस बंदी को मैंने मारा था दूसरे बार, मतलब जो मेरा थर्ड किल था उससे मैंने लूट कर लिया। अब ये जो बंदा था सामने वाला, उसको मैं ग्रेनेड मार के मारने की पूरी अपनी कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई फिलहाल कुछ हो नहीं पा रहा था। एंड मैं अपनी लोकेशन बार बार चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि वो भाई उसके पास अगर ग्रेनेड वगैरह होगा तो वो मेरे को एक ही बार में लपेट सकता है, तो जिसकी वजह से मैं यार लोकेशन वगैरह बदल रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप लोग को पेड़ के व्यू की वजह से उतने अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। एंड यहाँ पे उसने एक फ्लैश पीस फेंका, लेकिन मेरे को वो दिख गया था, तो मैं पहले ही अपना सतर्क होकर वहाँ से हट गया। अब यहाँ से मैं रश इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे पास ग्लूवॉल्स की तो एक कमी थी, मतलब ग्लूवॉल्स की कमी तो भाई एक बात है, लेकिन इस पॉइंट पर मेरे को फाइट बिल्कुल भी नहीं लेने का मन कर रहा था, क्योंकि बंदे को अगर मैं सीधा रश करता हूँ तो उसको मिल जाता एक मौका डायरेक्ट कि भाई मतलब उसको मार सको, मतलब मेरे को वो मार सके। अभी आप लोग देख सकते हो वो राइट की तरफ भी एक ग्लूवॉल लगा रहा था, तभी मेरे को पता लगा कि भाई राइट की तरफ भी एक बंदा हो सकता है। एंड वो वाला बंदा तभी मेरे को भी डैमेज करने लगता है VSS X से। अभी उस पर मेरा रेड डैमेज जा नहीं रहा था, यानी कि रेड जो डॉट होता है वो जा नहीं रहा था, जिसकी वजह से मैं भाई उसको मतलब मार नहीं पा रहा था। अब सीधी सी बात है, अब रेड डैमेज अगर जाएगा नहीं, यानी कि रेड डॉट अगर जाएगा भी नहीं, तो मैं उसको नहीं मार पाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास बाइक पड़ी हुई थी, तो मैं बाइक को लेके उस पर जाता हूँ, यानी कि शॉर्ट रेंज पे उस पर फाइट लूँगा, क्योंकि वो पहाड़ी के ऊपर से मेरे को मार रहा था एंड उस पर मेरा एम भी नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे देखो भाई बाइक का क्या सीन था, वहाँ पे फंस गया था। एंड इस वाले बंदे को सीधा मैं यहाँ से उड़ाता हूँ एंड जाके देखो भाई कहाँ गिरा, मतलब नीचे जाके गिरा। एंड उसके बाद उसको मैं स्कोप करके जैसे तैसे करके डैमेज दे के ले लेता हूँ। उसके बाद भाई लेफ्ट साइड से मेरे को वापस से पड़ती है VSS X। मतलब भाई इस पूरे गेम में मेरे साथ बस थर्ड पार्टी होती रही, थर्ड पार्टी ही हो रही थी। एक बंदे को मार रहा था, दूसरा मेरे को पीछे से मारने की कोशिश कर रहा था। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे भाई ने अभी सिचुएशन को हैंडल कर लिया। एंड यहाँ तक मेरे 4 किल पहले से हो चुके थे, मतलब इसको मारने के बाद मेरे 4 किल हो चुके थे। एंड मेरे अलावा अभी 3 और बंदे बचे हुए हैं, जिसमें से एक तो सामने से मेरे को डैमेज कर रहा है।
अब इस वाले बंदे को भाई मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके ग्लूऑल के होने के बावजूद भाई पता नहीं यार ग्लिच होके बस गाड़ी घुस गई एंड बंदा मर गया। अभी भाई कोई हैकर मत बोल देना, हैकर नहीं है तुम्हारा भाई, ओके। एंड 5 किल्स मेरे हो चुके थे एंड मेरे अलावा अभी 2 और बंदे बचे हुए थे। तो इस पॉइंट में भाई मैंने अपने रिकॉर्डर को ऑन कर लिया था याद से, ताकि आप लोग को प्लस वगैरह भी दिखा सकूँ, तो जिसकी वजह से इसमें आपको भाई पूरा मेरा वाला व्यू दिखेगा, यानी कि स्पेक्टेटर वाला व्यू नहीं दिखेगा। तो यहाँ से मैं अपना मस्त वाला जा रहा था, मेरे को पता लग चुका था कि इस वाले घर में एक बंदा है, मैंने उसको पहले ही ऊपर से देख लिया, तो जिसकी वजह से मैंने एक ग्रेनेड फेंका जिससे कि उसको 130 का डैमेज आ गया एंड वो एकदम लास्ट वाले रूम में जाके बैठ गया। उधर ही मैंने एम करके एकदम से ग्रेनेड फेंक दिया जिससे कि उसको 235 का और डैमेज आके वो बंदा हो गया किल। एंड सामने मैंने यूएवी छोड़ा था तो मेरे को एक बंदा दिखा था दूर भाई, मतलब मेरे से टोटल अपोजिट जिधर मैं जा रहा हूँ उधर एकदम दूर। एंड जैसे ही मैं भाई उसको मारने जा रहा होता हूँ, मतलब उसको ढूंढने जा रहा होता हूँ, तभी मेरे मुंह पे वो आके निकलता है एंड उसको मैं अच्छा खासा डैमेज कर देता हूँ। एंड बंदा अपना शॉटगन भाई निकालता तो है, लेकिन मेरे को उतना अच्छा खासा कुछ डैमेज कर नहीं पाता, मतलब थोड़ा बहुत डैमेज करता है और उसके बाद भाई अपना ग्लूऑल लगा के बैठ जाता है। एंड यहाँ से मैं उसको वापस मारने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मेरे पास ग्लूऑल तो सफिशियंट ही, अभी मतलब लूट वगैरह कर ली इतने सारे बंदों में तो भाई मेरे पास ग्लूऑल तो होगी। अभी मैं उस पर पैर पर भाई मारने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बंदा था चालाक जिसकी वजह से उसने एक और ग्लूऑल लगा लिया एंड मैं उसको पैर पर नहीं मार पाया। अभी यहाँ से यह बंदा निकल भी नहीं रहा था, आप लोग देख सकते हो, कवर में रह रहे के बस एक आध शॉट लेने की कोशिश कर रहा था। एंड मैं भी भाई अपना घूम रहा था कि भाई जैसे ये निकलेगा इसको तो मैं नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मेरे पास M4Z है एंड तुम्हारे भाई को M4Z कितनी पसंद है वो तो आप लोग को पता ही होगा। अभी मैं भाई उसको वापस बोलना नहीं चाहता, ये वाला बंदा निकल नहीं रहा था आप लोग देख सकते हो। एंड ये बिल्कुल मेरे मुंह में आ गया, मतलब मुंह पे आ गया भाई, उसके बाद एकदम से उसको मैंने 2 शॉट लगाया एंड उसके बाद भाई वो देखो कैसे भाग रहा है, मतलब लौंडा एकदम कवर लेने में एक्सपर्ट है। एंड उसके बाद मैंने अपनी ग्लूऑल को खोला, उसके बाद वापस उसको एक शॉट दिया एंड इसी के साथ मेरे हो गए 7 किल एंड 7 किल के साथ हम लोग को मिल गया बुया। तो इस वाले मैच में देखते हैं भाई अभी कितना प्लस देता है, वैसे भी सोलो में इतना कम प्लस दिया जाता है, आप लोग देख सकते हो बस 40 का ही प्लस दिया गया जबकि 52 का फुल प्लस दिया जाता है। तो ये है हम लोग का सेकंड मैच जिसमें कि मेरे एक ही किल हो रखे थे एंड मस्त वाला मैं गाड़ी लेके घूम रहा था किल की तलाश में। अभी मेरे को एलसेफ के पास एक बंदा दिखता है एंड मैं अपना कान इंजन निकालता है, उस पर एक शॉट मिस करता हूँ, दूसरे शॉट पर 63 एंड तीसरे शॉट पर भाई 134 का शॉट उसको लगता है, यानी कि बंदा एक गोली का बस बचा होगा एंड उस पर मैं सीधा सीधा रश कर देता हूँ क्योंकि एक ही गोली का बंदा है उससे क्या डरना। अब ये यहाँ पे आके बैठा भाई, मतलब क्या यार कवर ले रहा था वहाँ पे एंड तुरंत से उसको मैंने मार दिया शॉटगन निकाल के। तो इसी के साथ मेरे हो गए 2 किल एंड मेरे अलावा अभी और 6 बंदे बचे हुए, तो उनकी किल्स भी जल्दी जल्दी निकालनी है मेरे को, लूट पे ज़्यादा टाइम नहीं देना। अभी एक बंदा मेरे को टावर से तब से कर रहा था डैमेज, यानी कि जब मैं इसको मारने आ रहा था ये कर रहा था मेरे को डैमेज। अभी उसको 63 और भाई एक और शॉट दिया, मतलब मैंने उसको 2 शॉट अभी कान की जड़ दिए, उसके बाद एक मेरे को उसको हेड दिख गया जिससे कि भाई 337 का उसको मिल गया हेड। तो इसी के साथ मेरे हो जाते 3 किल्स एंड मेरे अलावा अभी और 3 बंदे बचे हुए थे। तो अभी यहाँ से मैं वीडियो कर देता हूँ स्किप, ताकि आप लोग का टाइम भी वेस्ट ना हो एंड आप लोग बोर भी ना हो। एंड यहाँ पे अभी 2 ही बंदे और बचे हुए थे जिसके लिए भाई मैंने अपना जो एक यूएवी लाइट था उसको छोड़ दिया, क्योंकि यूएवी लाइट को भाई अभी घर तो लेके जाना है नहीं, वैसे भी मैच खत्म हो जाएगा तो ये भाई ऐसे ही भाई मतलब बेकार का जाने वाला है, तो उससे अच्छा मैंने सोचा यार छोड़ के यूज़ कर लूँ। तो इसी वजह से मैंने यूएवी लाइट को छोड़ दिया एंड एक बंदा मेरे को हो जाता स्पॉट लेफ्ट की तरफ, उसको मैं लगाता हूँ भाई 120 का एक शॉट, उसके बाद 129 का एक शॉट जिससे कि बंदा हो जाता है किल एंड इसी के साथ मेरे हो जाते हैं 4 किल। अभी मेरे को एक और बंदा नीचे की तरफ दिखता है जिसको कि मैं 84 का एक ही शॉट दे पाता हूँ, उसके बाद वो लगा लेता है ग्लूऑल एंड मैं भाई अपना खुल्लम खुल्ला रश करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पे अभी देख सकते हो ग्लूऑल बहुत ज़्यादा है एंड जब बहुत ज़्यादा ग्लूऑल्स होती है तो भाई डरने की क्या ही बात है, मतलब अगर बंदा मारेगा अभी तो भी हम ग्लूऑल लगा लगा के बच सकते हैं। अब इस वाले बंदे को देखो भाई बिल्कुल एकदम सीधा सीधा मेरे मुँह पे आ गया एंड उसको तुरंत से भाई मैं यहाँ से पीछे हटने लगा क्योंकि वो बंदा M10 लेके मेरे पे चढ़ जा रहा था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या ही गंदा वाला बंदा डैमेज कर रहा था एंड मैं भागे जा रहा था, मेरे को तो भाई ये नूबड़ा बंदा लग रहा था, तो जिसकी वजह से मैंने इसका मतलब अंडर एस्टिमेट कर दिया है इसको। अब ये बाहर रुका हुआ है, आप लोग देख सकते हो ये मस्त वाला अपना बाहर रुका हुआ है एंड M10 से मेरी ग्लूऑल को फोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी यार मैंने अपना ग्लूऑल खुद फोड़ के निकला एंड उसके बाद कान इंजन का लगा देता उसको एक शॉट, मतलब भाई लगा नहीं पाता, लगाने की कोशिश कर रहा हूँ समझो भाई, थोड़ा फीलिंग्स को भी समझो। अभी 117 का उसको एक लगा शॉट कार्निंग डेट का एंड मेरा स्क्रीन इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा अटक रहा था, लेकिन उसके बावजूद भाई मैंने उसको जैसे तैसे करके मार दिया भाई। 3GB फ़ोन का यही यार एक प्रॉब्लम है, जो भी भाई 3GB रैम में खेलते हो भाई जरूर से मेरे को एक बार बता देना। तो ये हम लोग का थर्ड मैच जिसमें कि मैं खेल रहा हूँ दो में एंड मैं और मेरा टीम में दोनों ही बचे हुए। अभी आप लोग देख सकते हो सामने की ओर एक बंदा है जिसको कि बढ़िया सा 264 का मैंने इन स्कोप हेडशॉट जड़ दिया। तो इसी के साथ भाई मेरे हो जाते 4 किल एंड इस वाले ग्लूऑल के अंदर 2 बंदे फंसे हुए थे भाई। अभी इनको तो मारना बनता है, मेलो भाई बोल रहे थे कि भाई मेरा किल मतलब मेरे को एक किल दे दो, लेकिन वहाँ पे 2 बंदे थे मैंने उसको बोला, तो इसी वजह से मैंने फेंक दिया एक ग्रेनेड जिससे कि बंदा हो जाता है किल, यानी कि एक किल तो मिला मेलो भाई को क्योंकि उन्होंने पहले ही नॉक करके उस वाले बंदे को रखा था। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे 5 किल तो अभी तक हो चुके हैं एंड बढ़िया तरीके से यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा लूट मिल जाती है, मतलब ग्लूऑल्स वगैरह देख सकते हो
30 ग्लोअल्स लिटरली मेरे पास हो चुके हैं। यहाँ से हम लोग वीडियो को थोड़ा बहुत स्किप कर देते हैं क्योंकि बहुत टाइम तक हमको कोई भी बंदा नहीं देखने को मिलता है। अभी एक जो आखिर का बंदा था वो भाई डैम में फंसा हुआ था, मतलब अभी वो जोन भी नहीं आ सकता था। एंड आप लोग देख सकते हो भाई पीछे से वो जोन आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो भाई इस वाले जोन में नहीं बच पाएगा भले उसके पास फॉर्ड क्यों ना हो। अभी आप लोग देख सकते हो ये बंदा जैसे ही आएगा उसको मैं मारने के लिए तैयार, लेकिन उसके बाद भी भाई बंदा हो जाता एलिमिनेट, मतलब किल दे देता भाई। इससे अच्छा तो मेरा ज़्यादा प्लस लगता, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, इतने प्लस में भी हम सह लेंगे थोड़ा सा। 43 का प्लस दे दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आपको वीडियो देखने में अभी तक मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को कर देना एक लाइक एंड साथ ही मैं चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। अभी ये वाला मैच है हम लोग का फोर्थ मैच एंड आखिरी मैच, एंड यहाँ पे मैं खेल रहा हूँ स्क्वाड में। एंड मेरे दो किल पहले से हो चुके थे, एंड हमारे रोहित भाई ने बोला कि एलसेप पे बंदा है तो जल्दी से आ जाओ, क्योंकि रोहित भाई अभी अभी लैंड किए तो उनके पास भाई कुछ गन्स भी नहीं है। लेकिन भाई लिटरली G18 से एक बंदे को उन्होंने डाउन कर रखा है, एंड उसका किल मैंने दे दिया, मतलब उनको कंफर्म करके दे दिया कि भाई आप ही लूट लो। एंड घर के ऊपर एक बंदा था, उसको मैंने चार्ज बस्ते से क्या ही बढ़िया वाला यार लगा दिया, मतलब क्या ही बढ़िया वाला उसको मैंने ले लिया। अब यहाँ से एक और बंदा कूदता है, उसको भी मैं चार्ज बस्ते से मारता हूँ। भाई चार्ज बस्ते बहुत ही कतई जहर गन है, लेकिन ये जो बंदा था ये भी बहुत अच्छा था, क्योंकि G18 से उसने भाई मेरा हेलमेट तो देखो यार पूरा गायब कर दिया। एंड लिटरली 2-3 हेल्थ में मैं बचा हूँगा, लेकिन भाई चार्ज बस्तर क्या मैं अभी से चलाऊँ यार शॉर्ट रेंज के वेपन के तौर पे, तो भाई जरूर से ये भी मेरे को कमेंट करके बता देना। अभी मैं रोहित भाई को यहाँ पे ग्लोअल्स वगैरह दे रहा था, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ग्लोअल्स हो रखी थी, लेकिन भाई मैं वॉइस चैट नहीं कर रहा था, तो जिसकी वजह से उनको भाई मतलब सुनाई नहीं देगा, क्योंकि भाई मैंने बोला ही नहीं तो सुनाई कहाँ से ही देगा। तो यहाँ से अभी भाई मेरे को और किल चाहिए थे, क्योंकि मेरे 4 ही किल पहले से हो चुके थे। एंड तभी मेरे को फुटस्टेप आते नीचे के एक बंदे का, एंड तुरंत से उसको मैं चार्ज बस्तर से उसको भी ले लेता हूँ। तो भाई इसी के साथ मेरे 5 किल हो जाते हैं। एंड चार्ज बस्तर भाई कतई जहर गन है, अगर आपके पास 4 की व्यवस्था ना हो ना तो चार्ज बस्तर एक ही शॉट में आपको ले सकती है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा बहुत स्किप कर दिया, एंड यहाँ से भाई अभी एक ही बंदा बचा हुआ है। मैंने सोचा क्यों ना भाई गाड़ी लेके इसको ढूंढा जाए एंड इसको जल्दी जल्दी मारा जाए, एंड तभी हमारे रोहित भाई ने उसको कर दिया किल Mag 7 से। तो इसी के साथ ये वाला मैच भी हम लोग का हो जाता है बुया, जिसमें कि मेरे को 5 किल मिले थे। तो यही तक था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से कमेंट करके बता देना, एंड साथ ही में भाई चैनल को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर दो। एंड वीडियो में क्या आपको गलत लगा है तो वो भी मेरे को बताना, ताकि ऐसी गलती मैं वापस से ना दोहराऊं। एंड क्या आपने हमारी पहले की वीडियोज़ देख रखी, अगर नहीं देखी तो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, जरूर से दबा के देख लो।